हेलो फ्रेंड्स, धनिया की पत्तियों से आज हम बनाएंगे एक आंध्रा स्टाइल चटनी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाए, अगर आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, तो आप ये पचड़ी बनाकर रखिए और इसे बहुत ही वैरायटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका राइस भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बंडल धनिया की पत्तियाँ और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और क्लीन करके धोकर करीब 2 घंटे मैंने छोड़ दिया था, जिससे इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्रेन हो गया है। अब मैंने इसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसकी जो मोटी वाली डंडियाँ थी उसे अलग कर लिया था। ये मैं स्टोर करके रख लूँगी। इसे भी आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ग्रेवी का मसाला तैयार करते समय आप इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेज़वान फ्राइड राइस बना रहे हैं या नॉर्मल फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो ये डंडियाँ थोड़ी सी आप सब्जियों के साथ डाल दीजिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो अब इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है करीब 1 हैंडफुल इमली और इसे मैंने सोख करके रख लिया था। और अब मैं इसका पल्प निकाल रही हूँ और ये देखिए, मैंने अंदर का पूरा उसका रेसा निकाल दिया है और ये सिर्फ इमली का पल्प मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ एक कढ़ाई। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सरसों। इन सभी चीज़ों को हम कम आँच पर धीरे धीरे अच्छे से भूंज लेंगे ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। और ये देखिए, ये मसाला भुन गया है। इसे थोड़ा ठंडा करके हम इसे इसका एक कोर्स पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल दरदरा पीसेंगे। और लीजिए, ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। देखिए, बिल्कुल दरदरा पीसा है मैंने। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई में मैंने इमली का जो पल्प निकाला था उसे डाल दिया है और अब इसे मैं पका रही हूँ। इसे करीब 15 से 20 मिनट तक पकाना है और इसकी क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे पकते पकते बिल्कुल कम हो चुकी है। यहाँ मैंने गैस का आँच कम कर दिया है। ये इमली का पल्प बहुत गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारी धनिया की पत्तियाँ जो मैंने धोकर काट कर रखा था। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, जितने तीखा चाहिए आप उतना डाल लीजिए, और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तिल का तेल, सिसमे ऑयल, और इसमें मैंने ऐड किया है चना दाल, उड़द दाल और सरसों। साथ में ऐड कर रही हूँ हींग, थोड़ा करी पत्ता और ढेर सारी छिली हुई लहसुन है, ये लहसुन की कलियाँ। तो चटनी में जब ये खड़े खड़े लहसुन आते हैं ना पके हुए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च। तो लहसुन को हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, लहसुन में कितना अच्छा कलर आ गया है फ्राई करते हुए। अब हमने जो ये इमली का पल्प और धनिया की पत्ती का जो मिश्रण बनाया था, हम उसमें इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी धनिया की जो पत्तियां हैं उसने पानी रिलीज़ कर दिया, लेकिन वो अभी भी थोड़ी कच्ची है और मतलब वो सॉफ्ट नहीं हुई है, तो हमें इसे पकाना है। इमली का पल्प है वो बिल्कुल थिक हो जाना चाहिए, बिल्कुल चटनी की तरह। तो अब इस मोमेंट में मैं ये जो पाउडर हमने जो बनाकर तैयार किया था मसाला, वो मसाला भी मैंने इसमें मिला दिया है। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी और वो प्रोसेस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ये मसाला भी हम ये चटनी में अच्छे से मिला देंगे। करीब 3 चम्मच के लगभग ये मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और बस इसका पानी सुखा देंगे और ये चटनी लगभग तैयार है। और चटनी बनने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब मैं बताऊंगी कि इसे आप राइस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी चटनी कढ़ाई में है, मैंने इसमें थोड़ा बना हुआ चावल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला देंगे। और लीजिए, आपका कोथमीर राइस बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस चटनी को। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।